हेलो फ्रेंड्स, दिस इज माय चैनल मेंटोर साहिल। जैसे कि हमने पंजाब हिस्ट्री की सीरीज शुरू की हुई है, आज उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए हम फिफ्थ लेक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं। बात करें इससे पहले के लेक्चर की, फोर्थ लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिखिज्म के ओरिजिन के बारे में और गुरु नानक देव जी के बारे में। आज के लेक्चर में हम सेकेंड गुरु गुरु अंगद देव जी एंड थर्ड गुरु गुरु अमरदास जी को डिस्कस करने जा रहे हैं। और जिन्होंने भी अभी तक मेरी पहली वीडियोस नहीं देखे हैं, आप उन वीडियोस को भी जरूर देखना ताकि आपको पूरे कंटेंट की अच्छी सी नॉलेज हो सके। मैं आपको उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बात करते हैं आज के लेक्चर की। देखिए, हम डिस्कस करेंगे गुरु अंगद देव जी के बारे में। गुरु अंगद देव जी सेकेंड गुरु थे और इनका जन्म 31 मार्च 1504 को हुआ था। देखिए, गुरु अंगद देव जी का जब जन्म हुआ था तब इनका नाम अंगद नहीं था, तब इनका नाम था लहना। ये गुरु अंगद देव जी का जो नाम है, ये गुरु नानक देव जी ने इन्हें दिया था जब इनको गद्दी दी थी 1539 में। क्यों ये नाम दिया था, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, तो बनी रहेगा वीडियो में आगे तक। बात करें इनके जन्म की, तो इनका जो बर्थ हुआ था वो मट्टे दी सराई, एक विलेज है उसके पास हुआ था। मट्टे की सराई का आज का जो नाम है वो है सराई नागा, और ये मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। इनके फादर थे भाई फेरू, और ये त्रिहान सब कास्ट को बिलोंग करते थे। देखिए, गुरु नानक देव जी में हमने डिस्कस किया था कि वो एक बेदी खत्री थे, लेकिन गुरु अंगद देव जी एक त्रिहान सब कास्ट के थे, त्रिहान खत्री थे। मदर की बात करें तो मदर थी माता दया कौर, और स्पाउस इनकी वाइफ थी बीबी खीवी, और ये देवी चंद की डॉटर थी, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं आगे। इनके दो सन थे और दो डॉटर्स थी। सन के नाम की बात करें तो एक थे दस्सू और सेकंड थे दत्तू। दो डॉटर्स थी अमरो एंड अनोखी। देखिए, गुरु अंगद देव जी की अगर बात करें तो गुरु अंगद देव जी स्टार्टिंग से ही गुरु नानक देव जी के डिसिपल नहीं थे। स्टार्टिंग में गुरु अंगद देव जी गॉडेस दुर्गा की पूजा करते थे, यानी कि उनको मानते थे। लेकिन लेट 20s में क्या हुआ, एक बार गुरु अंगद देव जी करतारपुर, जो कि शहर गुरु नानक देव जी ने फाउंड किया था, वहां पर गुरु नानक देव जी को मिले, और मिलने के बाद वो उनके ही डिसिपल बन गए। और उसके बाद जो इनकी रिमेनिंग लाइफ थी उसका ज़्यादातर पार्ट इन्होंने करतारपुर में ही स्पेंड किया था। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि गुरु नानक देव जी ने अपने दोनों बेटों को बाईपास करके जो गद्दी है वो गुरु अंगद देव जी को दी थी 1539 में। देखिए, फिर इनका 1539 में ही गुरु नानक देव जी ने इनको नाम दिया था अंगद। देखिए, अंगद जो वर्ड है उसमें एक वर्ड है अंग, अंग का मतलब है पार्ट, यानी कि वो कहना चाह रहे थे कि गुरु अंगद देव जी, यानी कि भाई लहना जो है वो मेरा ही एक पार्ट है। और 1539 में इन्होंने इनको गद्दी दे दी, और 1552 तक ये गद्दी पर रहे, यानी कि 13 ईयर्स इनके पास गद्दी रही थी। 1539 कैसे याद करना है, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, गुरु नानक देव जी 1539 में ही ज्योति जोत समाए थे, और उसी ईयर में गद्दी जो है वो नेक्स्ट गुरु के पास चली जाएगी। गुरु जी डेवलप्ड अ न्यू सेंटर विच डेवलप्ड इनटू अ सिटी नोन एज खडूर साहिब, यानी कि इन्होंने एक नई सिटी फाउंड की खडूर साहिब। क्यों? देखिए, गुरु नानक देव जी के दो बेटे थे श्रीचंद एंड लक्ष्मीदास, तो गुरु जी को लगा कि कहीं वो दोनों बेटे एज अ लीगल हायर होने के कारण उस सिटी को क्लेम ना कर लें, इसलिए इन्होंने नवा सेंटर न्यू सेंटर फाउंड किया जिसको नाम दिया खडूर साहिब। नेक्स्ट पॉइंट, गुरु जी इन्वेंटेड गुरमुखी स्क्रिप्ट। गुरमुखी स्क्रिप्ट कैसे इन्होंने इन्वेंट की, गुरु नानक देव जी ने एक पत्ती लिखी थी जिसमें 35 लेटर्स थे, तो गुरु जी ने उन्हीं 35 लेटर्स को उनमें से लिया, उनको रीअरेंज किया, नया ऑर्डर दिया, और एक प्रिसाइज एक्यूरेट ऑर्डर आगे रखा, और सिख के लिए एक नई लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट जो कि हिंदू और मुसलमान से अलग थी वो उनके लिए बन गई। गुरु जी वॉज वेरी कीन ऑन फिजिकल फिटनेस, यानी कि ये फिजिकल फिटनेस का भी बहुत ध्यान रखते थे, इसलिए इन्होंने एक नया ट्रेडिशन शुरू किया जिसे हम मल्ल अखाड़ा आजकल बोलते हैं। हमने गुरु नानक देव जी के बारे में डिस्कस किया था कि उन्होंने कुछ लेंथी जर्नीस की थी जिन्हें हम उदासीज बोलते हैं, तो उस उदासीज में से कुछ टाइम भाई बालाजी थे एक जो कि गुरु नानक देव जी के साथ में थे। तो गुरु अंगद देव जी ने क्या किया, उन भाई बालाजी से गुरु नानक देव जी की लाइफ के बारे में पूछा और उन्हें लिख दिया, और इसलिए उसे हम बोलते हैं भाई बल्ले वाली जन्म साखी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई बल्ले वाली जन्म साखी किसने लिखी थी, तो आंसर आएगा गुरु अंगद देव जी। भाई बल्ले वाली जन्म साखी किस किन के ऊपर लिखी गई थी, किन के बारे में लिखा गया था उनमें, तो आएगा आंसर गुरु नानक देव जी। नेक्स्ट बात करते हैं, जब हमने मुगल एम्पायर पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़ा था कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में एक बैटल हुई थी 1540 में, जिसमें कि हुमायूं हार गया था। तो उसके बाद हुमायूं ने एक विजिट दी थी गुरु अंगद देव जी के पास। गुरु अंगद देव जी ने अपने दोनों बेटों को बाईपास करके जो गद्दी थी वो 73 ईयर ओल्ड इनका एक डिसिपल था जिसे हम अमरदास, गुरु अमरदास जी बोलते हैं,
उनको इन्होंने अपनी गद्दी दे दी थी। और मार्च 1552 में ये ज्योति जोत समागे थे, कहाँ पे, जो इन्होंने सिटी फाउंड की थी खडूर साहिब में। नेक्स्ट बात करते हैं गुरु अमरदास जी के बारे में, जी उनकी पिक्चर है। गुरु अमरदास जी थर्ड गुरु थे और इनका जन्म हुआ था 5 मई 1479 में, कहाँ पर, एट बसार के, इंटू अ भल्ला खत्री फैमिली। देखिए, गुरु नानक देव जी थे बेदी खत्री, गुरु अंगद देव जी थे त्रिहान खत्री और गुरु अमरदास जी थे भल्ला खत्री। बात करते हैं इनके फादर की, तो इनके फादर का नाम था तेजपान और मदर का नाम था भक्त कौर। स्पाउस की बात करें, इनकी वाइफ थी मनसा देवी। बात करते हैं इनके सन्स एंड डॉटर, इनके भी दो सन थे, दो डॉटर थे। सन थे मोहरी मोहन एंड डॉटर थे दानी पानी। देखिए, गुरु अमरदास की बात करें तो ये एक वैष्णवाइट थे, 62 ईयर्स तक ये वैष्णवाइट थे और ये हरिद्वार में जाकर स्नान किया करते थे और 62 ईयर में ये कॉन्टिन्यूसली वहाँ पर गए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, गुरु अमरदास जी का एक नेफ्यू था जिसकी वाइफ थी अमरो, बीबी अमरो। बीबी अमरो कौन थी, गुरु अंगद देव जी की बेटी। तो एक बार क्या हुआ, बीबी अमरो गुरु नानक देव जी के हाइमंस को रिसाइट कर रही थी और उन हाइमंस को सुना गुरु अमरदास जी ने, और जब उन्होंने उन हाइमंस को सुना तो उन्हें लगा कि वो इंक्विस्टिव हो गए कि वो देखें कि गुरु नानक देव जी की गद्दी पर कौन सा इंसान बैठा है। तो क्या हुआ, फिर 1540 में क्या हुआ, अमरो उनको वहां पर ले गई और गुरु अंगद देव जी के साथ मिला दिया। तो उसी टाइम पे गुरु अमरदास जी क्या हुआ, उनके डिसिपल बन गए। नेक्स्ट बात करते हैं गुरु जी फाउंडर गोविंदवाल साहिब। देखिए, गुरु अंगद देव जी की बात करें तो गुरु अंगद देव जी ने फाउंड किया था खडूर साहिब, लेकिन क्या हुआ, जो खडूर साहिब था वो गुरु अंगद देव जी के जो लीगल हायर्स थे दस्सू एंड दत्तू, उन्होंने क्लेम कर लिया कि वो उनका है। इसके कारण गुरु जी ने फाउंड किया गोविंदवाल साहिब। नेक्स्ट की बात करें, ही कंस्ट्रक्टेड बौली साहिब। बौली साहिब क्या था, 84 स्टेप्स यानी कि 84 पौड़ियाँ थी जिनको जाने के बाद ही वो स्नान करने जाते थे, बाथिंग के लिए उन्हें यूज करते थे। तब बिसाखी एंड द दिवाली बिकम फेस्टिवल डेज फॉर द सिक्स, ये दो फेस्टिवल्स उनके लिए इंपॉर्टेंट बन गए। बात करते हैं कम्युनिटी किचन की, जो कि शुरू से गुरु नानक देव जी ने शुरू किया हुआ था। तो जो गोविंदवाल का कम्युनिटी किचन था वो बहुत ही ज़्यादा जाना जाता था फॉर इट्स प्लेंटी ऑफ इट्स फाइन फ्लोर एंड क्लैरिफाइड बटर। इन्होंने वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था पंगट मस्ट प्रसीड संगत, यानी कि कोई भी पर्सन जो गुरु जी से मिलने आता था उसे उन्हें मिलने से पहले क्या करना पड़ता था, लंगर खाना पड़ता था ताकि बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के वो हर एक पर्सन को मिले। एक बार की बात है कि एम्परर अकबर भी वहाँ पर आए गोविंदवाल साहिब में और उन्होंने इस रूल को ऑब्जर्व किया और इससे खुश होकर उन्होंने गुरु जी को कहा कि मैं आपको 12 विलेजेस की फ्री जागीर ऑफर करता हूँ, लेकिन गुरु जी ने उसे मना कर दिया कि हम चैरिटी के बेसिस के ऊपर इस सिस्टम को बिल्कुल नहीं चलाएंगे। तो इसके कारण एम्परर ने क्या किया, हरिद्वार का जो पिलग्रिमेज टैक्स था उसे बिल्कुल माफ कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं गुरु जी स्टार्टेड मंजी सिस्टम। गुरु जी ने पंजाब में अलग अलग जगह पर 22 मंजिस को स्थापित किया था। ये इन मंजिस को अलग अलग पर्सन क्या करता था, चलाता था, जो कि गुरु नानक देव जी के जो मैसेज थे उसको स्प्रेड करता था। नेक्स्ट, गुरु जी प्रिपेयर 2 वॉल्यूम्स ऑफ ट्रू बाणी। देखिए, जो ये बाणी थी इसमें गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी एंड गुरु अमरदास जी, इसके अलावा कुछ भक्त थे या संत थे जैसे कबीर नामदेव, उनकी बाणी इसमें दर्ज थी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आनंद साहिब का, कि गुरु जी ने आनंद साहिब बनाया था। देखिए, आपने सुना होगा आनंद कार्ज होते हैं ना, वही आनंद साहिब में क्या था, ये एक 40 स्टेंजा एक हाइमन थे जो कि सिख मैरिजेस में गाए जाते हैं, उसे हम आनंद साहिब बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आनंद साहिब को किसने कंपोज किया, गुरु अमरदास जी ने इसे कंपोज किया था। गुरु जी ने वुमेन की जो स्टेटस है उसे अपलिफ्ट करने के लिए भी उनकी तरफ ध्यान दिया और इन्होंने पुराध और सती सिस्टम दोनों को क्या किया, डिस्करेज किया कि ये बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। लेकिन 1574 में क्या हो, गुरु जी ज्योति जोत समागे, कहाँ पर, जो इन्होंने शहर फाउंड किया था यानी कि गोविंदवाल साहिब में ही ये ज्योति जोत समागे थे। और इनका एक सन इन लॉ थे भाई जेठा, इन्होंने भाई जेठा को क्या किया, अपना एक सक्सेसर चूज किया और भाई जेठा का नाम है गुरु रामदास जी, जिन्हें हम बोलते हैं वो भाई जेठा है। ठीक है, ये थे आज का लेक्चर, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर भी जरूर करना।